रशिया और यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इस समय अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। जहां तक यूएसए और नेटो कंट्री का स्टांस है वो भी आहिस्ते आहिस्ते सख्त होता जा रहा है। यूएसए ने और ब्रिटेन ने यूक्रेन से अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वापस आने के लिए बोल दिया है। तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है। अभी क्या रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा? यूएसए के हिसाब से ये 24 से 72 घंटे के अंदर कभी भी हो सकता है। अभी ये 7 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा या नहीं होगा? क्या रशिया इस पोजीशन में है कि वो यूक्रेन पे अटैक करके अमेरिका और जितने भी नेटो कंट्रीज हैं उनका मुकाबला कर सकता है? या एक प्रेशर टेक्निक जो है वो यूज़ की जा रही है रशिया के द्वारा टू मेक श्योर कि यूक्रेन जो है वो नेटोस का हिस्सा नहीं बनता है। इसमें एक और दूसरा एंगल जुड़ जाता है और वो एंगल है चाइना का। क्योंकि अगर यूक्रेन के ऊपर रशिया अटैक करता है तो ये लाजमी है कि अमेरिका और नेटो कंट्रीज रिएक्ट करेंगी। मान लीजिए उसी टाइम में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है तो अमेरिका को रशिया और चाइना दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा। और उसमें अगर हम बात करें कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो किस हद तक उनका साथ देंगी इसके ऊपर अभी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है उसमें नेटो कंट्रीज ने अपनी कमिटमेंट दे दी है। अभी क्या ये एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या ये इश्यू जो है डिप्लोमेटिक चैनल के साथ रिजॉल्व हो जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे अपने हिसाब से शायद ये रशिया अटैक नहीं करेगा और अपनी जो प्रेशर है उसको वो मेंटेन करेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। दैट इज़ टू ऑबिएट द थ्रेट विच विल एमर्ज ऑन द रशिया फ्रंट पोस्ट देयर अलायंस विद द नेटो कंट्रीज। थैंक यू। जय हिंद।